coming to the question, if the points A 6,1, B 8,2, C 9,4 and D P, through are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of P. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें, ए बी सी और डी ये वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम है, ठीक है। यहाँ से हमें डी कोऑर्डिनेट्स का एक्स एक्सिस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी पी की वैल्यू मालूम करनी है। तो जाहिर सी बात है, जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ऑलरेडी, ए बी और सी हमारे पास दिया हुआ है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ होता है तो पैरेललोग्राम के केस में अगर हम देखें तो जो डायगनल दोनों साइड्स के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए सी और बी डी, ये दोनों साइड के जब डायगनल इंटरसेक्ट कर रहा है वो एक कॉमन पॉइंट पे कर रहा है, यानी ओ पे, जो कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, उसी तरह मिड पॉइंट है डायगनल बी डी का। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, वो क्या है, ओ इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यानी ओ। तो दोनों ही साइड्स का जो मिड पॉइंट है डायगनल ए सी और डायगनल बी डी का, उनका कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट का कौन है, ओ है, यानी दोनों साइड्स की कंडीशन इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके, जो कि ए सी और बी डी का एग्जैक्ट मिड पॉइंट कौन है, ओ, तो मिड पॉइंट फार्मूला के थ्रू हम अप्लाई करके यहाँ से निकाल सकते हैं डी कोऑर्डिनेट्स के एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मिड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायगनल, ये कौन सा है, बी डी, इज इक्वल टू, सेम यही स्टेटमेंट होगा राइट हैंड साइड के लिए भी, कि मिड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायगनल किसका ले लेंगे, ए सी का, डायगनल ए सी, दिस इंप्लाइज अब मिड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायगनल बी डी। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, एट, यानी मिड पॉइंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट पहले हम लोग लिख ले रहे हैं, एट प्लस पी अपॉन टू कॉमा, अब वाई कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट लिख लेंगे, टू प्लस थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू, ये हो गया आपका मिड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायगनल बी डी के लिए। अब मिड पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायगनल ए सी, तो मिड पॉइंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सिक्स प्लस नाइन अपॉन टू कॉमा, मिड पॉइंट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वन प्लस फोर अपॉन टू, सिंप्लाइज क्या मिलेगा हमें, यहां पर अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसी का हमें वैल्यू मालूम करना है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मालूम है, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, राइट हैंड साइड के एक्स कोऑर्डिनेट से, मतलब एट प्लस पी अपॉन टू इज इक्वल टू सिक्स प्लस नाइन, यानी फिफ्टीन अपॉन टू, दिस इंप्लाइज जाहिर सी बात है ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, पी इज इक्वल टू फिफ्टीन, एट को जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा माइनस एट, देयरफॉर पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिफ्टीन माइनस एट यानी सेवन। तो जो रिक्वायर कोऑर्डिनेट्स था हमारा डी, उसकी वैल्यू क्या थी, पी कॉमा थ्री, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, सेवन, सेवन कॉमा थ्री, तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो जब कभी भी अगर तीन कोऑर्डिनेट्स अगर हमें मालूम हो, चौथा कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा पैरेललोग्राम में, तब हम क्या करेंगे, उस पैरेललोग्राम का जो डायगनल्स, दोनों साइड के डायगनल को अगर आप नोटिस करोगे तो एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है आपको, वो पॉइंट जो है एग्जैक्ट मिड पॉइंट होता है दोनों ही डायगनल का। तो इसलिए हमने भी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके मिड पॉइंट ऑफ डायगनल ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगनल बी डी लिखा था, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स था ओ का वो एग्जैक्टली सेम था ए सी और बी डी के लिए, तब जाके हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया और वहां से हमें पी की वैल्यू कितनी मिल गई, सेवन।